बातों ही बातों में जब कपला से बात हुई तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट चुका था। तो उससे जब बात हुई तो वो अपनी वो कुश्तियां बड़े गर्व के साथ बताने लगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले वो छोटी छोटी कुश्ती लड़ा करता था, लेकिन 26 जनवरी 1965 को पहाड़ी, जो कि कामा के पास राजस्थान में पड़ती है भरतपुर जिला के अंदर, वहां पर उन्होंने गुर्ज के लिए सेला गाड़ दिया। ये बात उस समय के मशहूर पहलवान छुट्टन और चतर को बुरी लगी, और छुट्टन और चतर ने मशवरा कर कर ये तय किया कि छुट्टन कपला पहलवान से कुश्ती लड़ेगा। छुट्टन मैदान में उतर गया और हाथ मिलाने लगा। हाथ मिलाते ही उसने कपला पहलवान को कुश्ती शुरू कर दी, लेकिन कपला पहलवान कहता रहा कि मुझे कपड़े उतारने दें, लेकिन उन्होंने कपड़ा उतारने नहीं दिया। लेकिन कपला ने खुदा का नाम लेकर उनको वहीं चित कर दिया। छुट्टन इस बात से नाराज हो गया और जो रेफरी था उन्होंने कहा दे भी कपला है जो कुश्ती जीत चुका है। लेकिन वहां हंगामा हो गया और छुट्टन जो कि एक बड़ा पहलवान उस समय था, उन्होंने कहा कि हम दोबारा से कुश्ती लड़ेंगे। उसके बाद कपला ने मुस्कुराते हुए स्टोरी बताई कि छुट्टन दोबारा से गया और पूरे कपड़े निकाल कर मैदान में आया और मैंने भी अपने कपड़े निकाल लिए, लेकिन मैंने खुदा का नाम लिया और दोबारा कुश्ती शुरू हो गई और मैंने छुट्टन पहलवान को चित कर दिया। छुट्टन पहलवान के चित होते ही पूरे ग्राउंड में शोर मच गया और एक मेवात का नया सितारा उभर कर सामने आया, वो था कपला पहलवान बीसरू। उसके एक साल बाद एक और दंगल जुरेहड़ा गांव में होता है, जो कि पुनहाना के पास जुरेहड़ा है, वहां ये दंगल हुआ। और वहां पर जो कि उस समय के दूसरे मशहूर पहलवान थे चतर, चतर को भी कपला पहलवान ने जुरेहड़ा के दंगल में चित कर दिया। तो बड़े पहलवानों को उन्होंने जब चित कर दिया तो पूरे उत्तर भारत और यहाँ तक कि पूरे जटियात और गुजर के पहलवानों में ये चर्चा होने लगी कि कपला कौन है। और बारी बारी से बड़े बड़े पहलवान कपला से मुकाबला करने के लिए आने लगे और कपला सबको चित करता रहा। उन्होंने बताया कि मैंने उसके बाद कामा में एक दंगल होता है तो मथुरा के पहलवान थे चरण सिंह, कामा के अंदर मैंने गुरज की कुश्ती पर चरण सिंह को हरा दिया। वहीं फिरोजपुर में के अंदर एक गांव है जाट का सीसोना, फिरोजपुर के अंदर कुश्ती हुई और जाट का सीसोना का तारा पहलवान को मैंने फिरोजपुर के अंदर चित किया। इसके बाद एक हिंद केसरी जो कि बड़ा पहलवान था, बल्लमगढ़ के दयालपुर गांव है, वहां मैंने उनको वहां मेरी कुश्ती हुई और मेरी कुश्ती लगभग 22 मिनट चली। लेकिन 22 मिनट के बाद उस बड़े पहलवान ना तो कपला को चित कर सका और ना ही वो जमीन पर उसको गेर सका। उसके बाद वो कुश्ती वहां पर रद्द कर दी गई। उसके बाद बताते हैं कि बदरपुर के पूरणमल पहलवान को कपला पहलवान ने हथीन के अंदर एक कुश्ती में पटका। बुलंदशहर के हरवंश पहलवान को कपला ने मेरठ के अंदर पटका। रोहतक के सूरज भान को बल्लमगढ़ के अंदर कपला ने बड़ी कुश्ती में पटका। ये सारी कुश्तियां बड़े बड़े पहलवाने के साथ कपला के द्वारा लड़ी गई और सबको पटक दिया गया। लेकिन आखिर में आलदुगा के बिल्लू पहलवान के बारे में उन्होंने बताया कि बिल्लू पहलवान ने पहला पहलवान था जिन्होंने मुझको चित किया। उसके बाद कपला पहलवान की ढलती उम्र और घर की परिस्थितियां के कारण उन्होंने कुश्ती छोड़ दी, और एक ऐसे पहलवान जिसके बारे में पूरा मेवात क्या पूरा उत्तर भारत और पूरे जटियात और गुजर के जो गांव हैं सारे उसके बारे में जानने लगे, और वो था कपला पहलवान। मेवात में हर गांव में पहलवान हुआ करते थे, कुश्ती लड़ा करते थे, और मेव कौम भी हमेशा से लड़ाकू और जानदार थी। लेकिन अब मेवात के लोग और मेवात के नए बच्चे कुश्ती से दूर होते जा रहे हैं। खैर, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार हम फिर हाजिर होंगे कहानी मेवात के लेकर। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए।